Yeah.
यीशु आपने हमारे आराधना को सिखा दिया, आपने हमारे सहायता की कि आज हम अपने मुखों को खोल पाए और जी भर के पिता आपकी आराधना कर पाए पिता। और हम विश्वास करते हैं इस आराधना के दौरान छुटकारा हुई है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है आराधना में छुटकारा पिता। ये हम नहीं कहते, हमारी गीत नहीं कहती, हमारे बजाने से नहीं, मगर यीशु बस और बस आपकी उपस्थिति के कारण यीशु हम धन्यवाद देते हैं आप यहाँ पर। हम बस समर्पित करते हैं अपने शरीर प्राण आत्मा को, अपने सोच विचार भावनाओं को और हर एक ऐसी ऊंची सोच जो परमेश्वर के प्रचार के विरोध में काम करती है उसे बाइंड करते हैं यीशु के लहू में, और अपने मन मस्तिष्क को अपने हृदय को यीशु हम आपके लहू में छुपा के सुरक्षित करते हैं। हम ब्लेस करते हैं आपकी बेटी को, आपकी दासी को यीशु मसीह के नाम से पिता, जब वो यहाँ पर आए आपके सामर्थ के बातों को पिता वो प्रकट करने पाए। आज हम वचन को देदारी होते हुए देखेंगे, जो वचनों को वो कहेगी वो यहाँ पर कार्य करेगा, क्योंकि आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें अभिषेक किया है एक विशेष कार्य के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आप ऐसा कर रहे हैं पिता। हम सिस्टर को, अंकल को, उनकी बेटी को हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह उन पर बहुत आज से है, उनका अभिषेक उन पर बहुत आज से है, आपका सामर्थ को लेकर चलने वाले परिवार है ये लोग। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा अनुग्रह किया। हम बस अपने हृदय को यीशु आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हमसे बोल और बातचीत करते हैं, अपनी इच्छा को आज प्रकट कर, जैसी तेरी इच्छा स्वर में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर होने पाए, हमारे जीवन में होने पाए, हमारे जीवन के द्वारा होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपका आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहा है, एक अद्भुत आनंद को आपने हमारे जीवन में जोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं यीशु मसीह के नाम से। हम एक उत्तर को हम ले लेते हैं, हम क्लेम करते हैं आज जितनी आत्माएं यहाँ पर आई है छुटकारा के साथ जाएंगे, जितने लोग आज सवाल के साथ आए हैं उत्तर के साथ जाएंगे, जितने लोग बीमारी के साथ आए हैं चंगाई के साथ जाएंगे पिता, जितने लोग खाली आए थे आज यीशु आपको लेकर जाएंगे, अपने परिवार के लिए शांति आनंद और बहुत आयत को लेकर जाएंगे। करें और अपना बेस्ट परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें।
ईश्वर के पिता हम धन्यवाद देते हैं आप यहाँ हैं और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर दिया। आज जिस परिस्थिति में हम यहाँ आए थे उसे यहाँ छोड़कर हम आपको लेकर यहाँ से जा रहे हैं पिता, हम एक बदलाव को लेकर यहाँ से जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज हम यीशु के नाम से हम परिवर्तित हुए हैं, आज हम एक नए कदम को लिए हैं आत्मिक जगत में पिता परमेश्वर। आज हमने अपने संसारिक या शारीरिक स्वभाव को छोड़ा है पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज एक अंश तो हम कम से कम बदल गए हैं, ये विश्वास है हमारा पिता। और वो बदलाव ना सिर्फ हमारे जीवन में होगी मगर वो गवाही का भी कारण होगी पिता, जब लोग हमें देखेंगे, लोग यीशु के स्वभाव को हमें देखेंगे, लोग हमारे अंदर प्रेम को देखेंगे पिता परमेश्वर, लोग हमें ज्योति को देखेंगे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा अनुग्रह किया, जो दान पिता परमेश्वर हम अपने आपने हमें आशीष के रूप में दिया उसी से एक भाग पिता हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसे जगहों में पिता जहां अब तक आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा है उन जगहों में ये दान इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। पिता अनुग्रह कर पिता परमेश्वर हम में से हर एक को तैयार कर कि जिस तरह आज आंटी यहां पर पूरे उत्साह के साथ पिता परमेश्वर वचनों को बांटी पिता परमेश्वर और हम लोग आशीषित हुए, उसी तरह हम यहाँ से बाहर निकले और बहुतों के लिए छुटकारा का कारण बने पिता। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बने मगर सुनाने वाले भी बने पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा अनुग्रह किया, कल की मीटिंग को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आंटी को उनके पूरे फैमिली को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, कल एक नए भाग को नई आशीषों को आपके अद्भुत नए सामर्थ को हम यहाँ पर देखने पाए यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा अनुग्रह किया है, कल नया दिन नई आशीषें यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ नया हो जाएगा पिता। इस विश्वास के साथ पिता हम कल के दिन को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने आप को ब्लेस करते हैं, अपनी कलीसिया को ब्लेस करते हैं, अपने परिवार को ब्लेस करते हैं, हम रांची को ब्लेस करते हैं, हम झारखंड को ब्लेस करते हैं, हम इंडिया को ब्लेस करते हैं पिता। हर एक कोई यीशु आपको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए पिता, इस अनुग्रह को कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपने ऐसा अनुग्रह किया, हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद के साथ एक परिवार होकर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रार्थना और माध्यम सदा तेरे ही है, आमेन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।